हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार प्लस क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमारा जो SSC मैथमेटिक्स वर्ल्ड पेपर 11500 की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चनों का सीरीज चल रहा था। प्रीवियस वीडियो में हमने टाइप 5 तक के क्वेश्चनों को कवर किए थे, इस वीडियो में हम टाइप 6 के क्वेश्चनों को कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के लास्ट तक। आइए क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चनों के माध्यम से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइप 6 के क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, यदि मैं 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदता हूँ और 10 पुस्तकें 110 रुपये में बेच देता हूँ, तो मुझे प्रत्येक पुस्तक पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अब देखिए, इस तरीके के सवालों को बनाने के लिए आप क्या करिए, एक तरफ आप लिखिए रुपया, ठीक, एक तरफ रुपया लिखिए और एक तरफ आप मात्रा लिखिए, ठीक, एक तरफ आप क्या लिखिए, मात्रा। और देखिए यहाँ पे CP एक बार लिख दीजिए, यानी कि कह रहा है कि 100 रुपये में 11 पुस्तकें मैंने खरीदा हूँ, ठीक, तो ये 100 रुपये में 11 पुस्तकें खरीदा, ठीक। और फिर कह रहा कि 110 रुपये में 10 पुस्तकें बेच दिया, तो SP जब किया तो 110 रुपये में 10 पुस्तकें बेच दिया। देखिए अब यहाँ से हम बताना मुश्किल होगा कि कितने रुपए के फ़ायदा कितने रुपए का घाटा, क्यों, क्योंकि आर्टिकल अलग अलग हैं। तो क्या करेंगे, हम आर्टिकल को सेम कर देंगे। तो आर्टिकल को सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, इस ऊपर नीचे अदल बदल के गुणा करा देंगे, 10 से वहाँ ऊपर करा देंगे और 11 से नीचे। अब 11 से वहाँ गुणा कराने का मतलब यहाँ पे भी गुणा कराना पड़ेगा हमें, ठीक, और यहाँ पे भी 10 से गुणा कराना पड़ेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम यहाँ पे करें तो देखिए ये हो जाएगा, 10 को 100 से गुणा कराएंगे तो 1000 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 11 के हम 121, ठीक, और 0। अगर हम यहाँ पे CP और SP देखें तो कितना हो जाएगा, CP कितना है, 1000 रुपया लागत लगा और 1210 रुपये में बेच दिया गया, ठीक। अब 1000 रुपये के वस्तु को 1210 में अगर बेचा जाता है तो कितने का फ़ायदा हो जाएगा, 210 रुपये का। 210 मतलब कितने रुपए पर, तो 1000 रुपये पर हुआ, ठीक। परसेंटेज निकालना है, 100 से आप क्या करिए, गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, 00 से 00 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, यानी कितने का फ़ायदा हुआ, 21% का प्रॉफिट हुआ। तो हमारा ऑप्शन नंबर ये 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा गायब हो गया, तीसरा देखिए, कह रहा नितिन ने 40 रुपया प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे तथा उतने ही संतरे 30 रुपया प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, उसने उन्हें 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया, उसके द्वारा प्राप्त किए गए संतरों की संख्या। आप क्या करिए, एक तरफ आप प्राइस लिखिए, एक तरफ क्या लिखिए, आर्टिकल लिखिए, ठीक। तो अब जब आपने CP किया, CP यहाँ पे दो बार हो रहा है, एक बार कह रहा है 40 रुपया प्रति दर्जन, 40 रुपये में कितना, एक दर्जन मिल रहा है, ठीक। फिर कह रहा है कि 30 रुपया प्रति दर्जन, जब दूसरी बार हमने खरीदे गए तो यहाँ पे 30 रुपया प्रति दर्जन के भाव से मिल रहा था दर्जन, ठीक। अब देखिए टोटल CP कितना लगा, तो टोटल CP आप यहाँ से देखेंगे तो देखिए टोटल CP कितना हो जाएगा, 430, 70 रुपये का खरीदा गया वस्तु और कितना दर्जन हो गया, एक एक दो दर्जन, ठीक। अब कह रहा है कि 45 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपये का लाभ प्राप्त किया गया, ठीक। जब बेचा गया, निष्पी किया गया 45 रुपया प्रति दर्जन, मतलब 45 रुपये में एक दर्जन, ठीक। अब देखिए यहाँ से आर्टिकल अलग अलग है तो हमें मतलब बताना ये मुश्किल होगा कि कितने रुपये का फ़ायदा या कितने रुपये का घाटा हुआ। तो हम क्या करेंगे, आर्टिकल को सेम करेंगे। तो आर्टिकल को सेम करने के लिए क्या करें, यहाँ पे भी 2 से अगर गुणा करा दें तो 2 दोनों बराबर हो जाएंगे। अब 2 से यहाँ पे गुणा कराने का मतलब यहाँ पे भी 2 हमें कराना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 45 × 90। अब आप ही बताइए, 70 रुपये की वस्तु को अगर 90 रुपये में बेचा जाता है तो प्रॉफिट कितने का होता है, 20 रुपये का होता है। हमारे हिसाब से तो 20, लेकिन क्वेश्चन कितना कह रहा है, 480 कह रहा है, तो 480 हो जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, ये 2 × 1 = 24 × 48 हमसे पूछा गया है। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों की संख्या कितनी थी, तो कितने संतरे खरीदे गए हैं, 2 दर्जन, तो 1 दर्जन का मतलब यहाँ पे 2 को आप गुणा करा दीजिए किससे, 24 से, क्योंकि 1 का वैल्यू 24 आया, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 48, यानी कि उसके द्वारा कितना संतरा खरीदे गए थे, 48 दर्जन, जो ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर कह रहा है, एक दुकानदार वस्तु के को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है,
परंतु 250 ग्राम के बाट के स्थान पर 225 ग्राम के बाट का प्रयोग करता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। अब देखिए, एक दुकानदार है, सबसे पहले आप क्या करिए, एक तरफ प्राइस लिखिए और एक तरफ आर्टिकल लिखिए, कितना वस्तु है, ठीक। तो क्या किया इन्होंने, इन्होंने कहा कि 250 रुपये, मतलब हम मान लें कि ये अगर ये घर से अपने सीपी लगाए हों, कितना 250 रुपये, ठीक। और इन्हें सामान भी कितना मिला हो, 250 ग्राम ही मिला हो, ठीक। तो ये कह रहा है कि अब ये जो है सीपी पर ही बेचने का दावा करता है, यानी कि क्रय मूल्य पर ही, यानी कि इनका सीपी ही क्या हो जाएगा, एसपी हो जाएगा। अब ये एसपी पर ही अपना सामान क्या करेंगे, बेच देंगे। लेकिन क्या किए, जब तौलते समय ये 225 ग्राम के बाट का प्रयोग किए, 225 ग्राम। अब देखिए 250 ग्राम में, 250 रुपये में 250 ग्राम मिल रहा था, तो 225 रुपये में 225 ग्राम नहीं मिलेगा, तो एक तरह से हमारा क्या हो जाएगा, सीपी हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से 225 रुपये की वस्तु को 250 रुपये में अगर बेच दिया जाए तो कितने का प्रॉफिट होगा यहाँ से, तो यहाँ पे 25 रुपये का फायदा हुआ। किस पे हुआ, तो जो लागत मूल्य पे होता है प्रॉफिट, तो लागत मूल्य कितना है, 225 रुपये है, ठीक। अब परसेंटेज निकालना है, आप सौ से गुणा करा के परसेंटेज का साइन लिखा लगा दीजिए, हमारा क्या हो जाएगा, प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 5 से काट लीजिए, तो ये 5 से कितने बार मिल जाएगा, 5 से कर यहाँ पे 25 और ये 5 × 20 और 5 × 25। अब इसको काट लीजिए, 5 × 5 = 45, ठीक। तो ये हो जाएगा, ये लिखा कितना ऊपर, अभी 100 बचा है, 100/9 ये जाएगा, 9 × 1 = 9, 1 बचेगा, फिर ये हो जाएगा 100, फिर 9 × 1 = 9, यानी कि 11 से 1/9%। हालांकि इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन यही हमारा ऑप्शन सही होगा, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 5 नंबर। कह रहा है, एक फल विक्रेता 10 रुपये में 4 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और 10 रुपये में 5 की दर से उतने ही संतरे और खरीदता है। वह ₹20 में 9 की दर पर सारे संतरे को बेच देता है, उसने कितने प्रतिशत का हानि या लाभ हुआ। अब देखिए, आप क्या करिए, एक तरफ आप प्राइस लिखिए और एक तरफ आप क्या लिखिए, आर्टिकल लिखिए, ठीक। तो देखिए यहाँ पे हम क्या लिख दें, एक तरफ प्राइस लिखते हैं और यहाँ पे आर्टिकल हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कि 10 रुपये में, यहाँ पे जो सीपी लगा इसका लागत 10 रुपये में 4 की दर से, 10 रुपये में कितना आर्टिकल मिला, 4, ठीक। और फिर कह रहा है 10 रुपये में 5 की दर से, दोबारा जब सीपी खर्च किया तो 10 रुपये में 5 की दर से, अब आप टोटल सीपी निकाल लीजिए, टोटल सीपी कब निकलेगा, जब आर्टिकल दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे आप आर्टिकल को बराबर कर लीजिए, बराबर कैसे होगा, ऊपर 5 से गुणा करा दीजिए और नीचे 4 से गुणा करा दीजिए, तो हो जाएगा। यहाँ पे भी हमें किससे कराना पड़ेगा, 4 से ऊपर किससे कराना पड़ेगा, 5 से, तो कितना हो जाएगा, 5 × 20, सर ये हो जाएगा 5 × 50 हो जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 10 × 5, तो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 10 × 4 = 40 हो जाएगा, ठीक। आर्टिकल कितना हो गया, 5 × 20 और ये भी 5 × 20, ठीक। अब देखिए टोटल सीपी कितना हो जाएगा, टोटल सीपी हमारा यहाँ से हो जाएगा 50 और 40, कितना हो जाएगा, 90, 90 में कितना आर्टिकल होगा, तो ये हो जाएगा 20 × 20 = 40, ठीक। यानी 90 रुपये में 40 संतरे हो गए। अब कह रहा है कि 20 रुपये में 9 की दर से संतरे बेचने पर, अब जब ये एसपी किया तो 20 रुपये में 9 की दर से, ठीक, 9 की दर से। अब यहाँ से हमें बताना मुश्किल होगा कि नहीं, कि कितने रुपये में कितना आर्टिकल, मतलब प्रॉफिट हुआ या लॉस। तो हम क्या करेंगे, इनके आर्टिकल को सेम कर देंगे, तो सेम करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे अदल बदल के नंबर को गुणा कर देंगे, यहाँ से 40, वहाँ से 9, ठीक। ऊपर भी हमें, यहाँ पे भी 9 से करना पड़ेगा और ये क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 40। अगर हम यहाँ पे सीपी और एसपी देखें तो कितना हो जाएगा, 9×9 = 81 हो जाएगा, ये 810 और ये हो जाएगा 4×2 = 8, 800 हो जाएगा, ठीक। देखिए आप ही बताइए, 810 की वस्तु को अगर 800 में बेचा जाता है तो कितना, 10 रुपये का घाटा हो जाएगा, 10 रुपये का घाटा हो गया, लॉस हो गया 10 का, और लॉस किस पे हुआ, अगर 10 रुपये का लॉस हुआ तो किस पे हुआ, क्रय मूल्य पे, क्रय मूल्य हमारा कितना है, 810 है, ठीक। और परसेंटेज निकालना है, आप सौ से गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, अब 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, यानी कितना लिखा है, 100/81 लिखा है कि नहीं, तो 81 × 81 और कितना बच जाएगा, 81 × 81, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 और 9 बच जाएगा, यानी 9/81%, यानी लॉस परसेंट क्या आया, 1 सही, 9/81%, तो हमारा
अच्छा 81-19 होगा ना, 1981 तो 100 होता है, तो 1 से 79 बटे 81% की हानि। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर। कह रहा है एक फल विक्रेता कुछ संतरे खरीदता है और उसने 40% से बेचकर वह सभी संतरों का लागत मूल वसूल कर लेता है। जैसे संतरे अधिक पकने लगते हैं वह कीमत कम कर देता है और से संतरों में से 80% का लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। से संतरे जब सड़ जाते हैं वह उन्हें फेंक देता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना रहा? अब देखिए, हम मान लें कुल संतरे कितना रहा हो, 100 रुपया रहा हो, ठीक, मतलब 100 संतरे रहे हों, संतरे कितने रहे हों, आर्टिकल रहे हों 100, और इनका जो प्राइस रहा हो ये भी कितना रहा हो, 100 रुपया रहा हो, प्राइस भी कितना रहा हो, 100 रुपया रहा हो, ये क्या हो जाएगा प्राइस, ठीक। अब कह रहा है 100% मतलब ये मतलब 40% संतरे को बेचकर वह क्रय मूल्य वसूल कर लेता है, यानी इसका 40% वो संतरे क्या कर देता है, बेच देता है, 40% संतरे बेच देता है। तो 100 का 40 कितना होगा, 40 ही होगा, 40 वस्तु मतलब संतरे को बेचता है, तो क्रय मूल्य यानी 40 का सामान, ये जो 40 संतरे हैं ये 100 रुपये में बेच देता है, क्योंकि हमारा क्रय मूल्य 100 ही रुपये में तो है। तो ये क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा यहाँ से, और ये क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा, ठीक। अभी कह रहा है कि 40% संतरे, ठीक, वो सो अपने क्रय मूल्य वसूल करता है, तो क्रय मूल्य इसका 100 ही रुपये ही तो है, तो मतलब 40 का सामान 100 में बेच दिया, यहाँ से कितना पर प्रॉफिट पाया, तो यहाँ पे 60 रुपये का प्रॉफिट पाया, किस पे पाया है, तो क्रय मूल्य क्या है, 40 से परसेंटेज निकालना है, आप 100 से गुणा करा दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, ये क्या हो जाएगा इसका प्रॉफिट, मतलब इसका क्या हो जाएगा, परसेंटेज रहेगा, ठीक। प्रॉफिट कहाँ से आएगा इसका, जब क्रय मूल्य हुआ, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4 25 चौका 100 और 25 छक्का 150, यानी कितने प्रॉफिट पर बेचा, 150%। अब कह रहा है कि वह कीमत कम, मतलब कह रहा है जैसे संतरे अधिक पकने लगे, मतलब संतरे क्या हुआ, अधिक पकने लगे तो वो क्या करता है, अधिक पकने लगे तो वह कीमत का कम कर देता है, ठीक, और शेष में से 80% लाभ की पूर्व दर से आधे पर बेच देता है। देखिए शेष कितना बचेगा, 100 में से 40% तो बिक चुका है, तो 60 ही तो संतरे बचेंगे, 60 संतरे बचेंगे, 60% कहिए या मतलब 60 ही कहिए, क्योंकि सब पर 100 पर खेल मतलब हो रहा है वैल्यू। तो देखिए 60 संतरे बचे, 60 संतरे के 80% को, इसके कितने 80% को, तो इसका 80% कितना होगा, परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे 100 लिखना पड़ेगा, ठीक, और ये 00 से 00 कैंसिल, यानी 8 6 48, 48 संतरे को क्या करता है, उस मतलब पूर्व दर से आधे दर पर बेच देता है। पूर्व दर कितना होता है, 150% था, इसका आधा कितना होगा, 75, यानी 48 को अब कितने 75% लाभ लेना है, तो 175 पर बेचना होगा, ठीक, बटे आप क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, अब इसको काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 5 दुनी 10 20 हो जाएगा, 20 25 100, इसको भी काट लीजिए, 5 3 15 और 2 25 हो जाएगा, 50 हम 25, फिर 5 से काट लीजिए, 5 7 35, और ये हो जाएगा 5 5 20 हो जाएगा, ठीक, और 4 1 4 4 2 8, तो ये 12 × 7 हो जाएगा, 12 × 7 12 × 7 कितना हो जाएगा, 1284, तो 1284 कह रहा कि, तो उसका लाभ प्रतिशत कुल कितना रहा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा, 84। 84 क्यों होगा, क्योंकि जब वो 40% ही संतरे बेचकर अपना क्रय मूल्य वसूल कर लिया, तो जो बाकी बचेगा उसको बेचेगा तो ही उतना ही तो परसेंटेज पाएगा प्रॉफिट, तो यानी कि 48 संतरे बेचे, बचे तो इसके पास कितने, 60, लेकिन 60 में क्या हुआ, कुछ सड़ गए तो उसको फेंक दिया, तो उस पर कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं होगा, तो जो 48 बचे उस 48 पर 84% का प्रॉफिट हुआ, तो ये इसका क्या हो जाएगा, पूरा प्रॉफिट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये 2 से हो जाएगा। 7 नंबर, कह रहा है एक दुकानदार प्रति 90 पैसे की दर पर 144 वस्तुएं खरीदता है, रास्ते में 20 वस्तुएं टूट जाती है, शेष वस्तुएं वह प्रति 1 रुपये 20 पैसे की दर पर बेच देता है, उसका अभिलाभ प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए 90 वस्तु, ठीक, 90 पैसे की दर से, अब 90 को क्या करेंगे, पैसे में चेंज कर लेंगे, रुपये में चेंज कर लेंगे, तो रुपये में करने के लिए 100 से गुणा भाग करना पड़ेगा, और कितनी वस्तु थी, 144, ठीक, और कह रहा कि 20 वस्तुएं टूट गई,
अब 144 में 20 वस्तुएं टूट जाएंगी तो कितने बचेंगी, 124, 124 वस्तु ही तो बचेंगी 124 में। और सबको क्या क्या, एक एक रुपया 20 पैसे के हिसाब से बेच दिया, तो कितना बेचा, 1 रुपया 20 पैसा। अब जैसे एक दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमें क्या करना होगा, 100 लिखना पड़ेगा, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अब देखिए ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से आप काट लीजिए 1 0 से, पहले आप क्या करिए 100 से ये 100 पूरा काट दीजिए, ठीक। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 90 गुणे 144 और बराबर में 124 गुणे 120। अब जो कट रहा है काट दीजिए यहाँ से, तो यहाँ से 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ठीक। अब 12 कम 12, 12 बराबर 144 होता है, ठीक। आप फिर इसको काटिए, 4 से काटिए, 4 3 12, 4 से इसको भी काट लीजिए, तो 4 3 12 और 4 1 कम 4, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका एक क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा और ये SP, ठीक। अब यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 27 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पे आप इसको क्या लिख दिए, CP और ये SP। अब 27 का सामान 31 में बेचा जा रहा है, ठीक। 27 का सामान कितने में, 31, तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, यहाँ पे प्रॉफिट होगा 4 रुपये का, किस पे होगा, 27 पे होगा, ठीक। अब परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करा देंगे और परसेंटेज का साइन लगा देंगे। अब देखिए ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 भागे क्या कर देना हमें, 27। अब भाग कर लीजिए एक बार आप, तो जैसे आप भाग करेंगे इसको तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखिए एक बार में जाएगा तो ये हो जाएगा 27, इसमें से आप माइनस कर लीजिए, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, और ये 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 13 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, ठीक। अब कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 4 बार में जाएगा, ठीक। तो जाएगा 7 चौक 28 के 8 हासिल आएगा 2, और 4 2 8, 8 और 2 10, 108 हो गया। अब इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो 8 10 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 22 हो गया, और यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे तो ये क्या जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक। 220 हो जाएगा। अब 220 कितने बार जाएगा, तो ये लगभग 8 बार जाएगा, कितने बार जाएगा, 8 बार, 8 से 56 के 6 से लाएगा 5, 8 9 16, 16 और 5 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 216। मतलब अब एक अंक बाद लेते हैं, क्योंकि एक ही अंक बाद दिया है, तो देखिए 14.8 यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये हमारा 3 से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 8 नंबर, कह रहा है एक आदमी 40 रुपये में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है और उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपये में 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे 5 रुपये 50 रुपये की दर से 50 रुपये में 3 की दर से बेच देता है तो उसने उसे प्राप्त होने वाला लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। अब देखिए एक तरफ आप क्या लिखिए, प्राइस, एक तरफ क्या लिखिए आप आर्टिकल, जब आप CP हो रहा है तो CP लिख दीजिए। कह रहा 40 रुपये में 3 की दर से, 40 रुपये में 3 की दर से, फिर उसके बाद में कह रहा है कि 60 रुपये में 5 की दर से, दोबारा जब CP किया गया तो 60 रुपये में 5 की दर से। अब देखिए ये आर्टिकल अलग अलग हैं, ठीक, तो क्या करेंगे इनको हम सेम करेंगे तो हमारा पूरा CP निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करें, 5 से गुणा करा दें और यहाँ पे कितने से, 3 से, तो 3 से यहाँ पे भी हमें करना पड़ेगा, तो यहाँ पे भी 5 से करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 24 200 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 18 180 हो जाएगा, ठीक, और ये कितना सा 15 15 हो जाएगा, ये 5 15 ही हो जाएगा। अब टोटल CP निकाल लीजिए आप यहाँ से, अगर टोटल CP आप निकालते हैं तो देखिए 200 रुपया और 180, कितना हो जाएगा, 380 रुपये टोटल CP हो जाएगा। 380 में कितना वस्तु मिली, 15 15 30 रुपया, 30 मतलब संतरे मिले। अब फिर कह रहा है कि वह जब बेचा तो SP जब किया तो किस रेट से, 50 में 3 की दर से, 50 रुपये में 3 की दर से, ठीक। अब देखिए यहाँ पे भी आर्टिकल अलग अलग हैं तो हमें बताना थोड़ा मुश्किल होगा कि कितने रुपए का फायदा या कितने रुपए का घाटा होगा, तो आप क्या करिए आर्टिकल को सेम कर लीजिए। आर्टिकल को सेम करने के लिए आप यहाँ से 10 से गुणा करा देंगे तो ये भी 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा, यहाँ पे भी आप 10 से गुणा करा दीजिए। तो अगर हम यहाँ से CP और SP देखें, CP और SP देखें तो देखिए कितना हो जाएगा, CP 380 रुपये का लागत है और पिक कितने का है, 500 का, क्योंकि 10 में गुणा होगा 50 रुपये, 500 हो जाएगा, ठीक। अब आप ही बताइए 380 रुपये का वस्तु 500 रुपये में अगर बेचा जाता है तो कितने रुपये फायदा फायदा होगा, घटा लीजिए यहाँ पे आप, तो
तो 0 में से 0 हो जाएगा 0, 10 में से 2 8 जाएगा तो 2 बचेगा, 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा। 120 रुपये का फ़ायदा हुआ, ठीक। 120 रुपये का क्या हुआ, 120 रुपये का फ़ायदा किस पे हुआ, तो लागत मूल्य कितना है, 380 रुपया है। और परसेंटेज निकालना है तो आप सबसे गुणा करा के परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, परसेंटेज निकल जाएगा। अब एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये कटेगा, 6 दूनी 12, 19 दूना 38 हो जाएगा, ठीक। अब हमें भाग करना 600, 600 हो जाएगा, और भागे क्या कर देना, 19 कर देना, कर लीजिए आप यहाँ से। अगर आप 3 बार लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, 19 19 19 19 18 19 57 हो जाएगा, 57 यहाँ पे आप घटा लीजिए, कितना बचेगा, 10 में से 7 जाएगा, 3 बचेगा, और यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक। और फिर कितने बार जाएगा, 19 दूना 38 होगा, एक ही बार में जाएगा, ठीक। तो ये क्या जाएगा, ये जाएगा 19, अगर इसमें से हम घटाते हैं तो कितना जाएगा, 10 में से 3 हो जाएगा तो 1 बचेगा, 2, और ये बचा 2 2 में से 1 जाएगा, 11 बचेगा, यहाँ पे 10 मिनट लगाएंगे, 110 हो गया। अब देखिए, हान तो पहले आप काट ही दीजिए, हान हो ही नहीं रहा, ठीक। अब बचा लाभ, अब 31% पूरा नहीं होगा क्योंकि हमारा 10 मिलो 10 मिलो आ रहा है, तो यहाँ पे ये लगभग 5 बार जाएगा और 1 बार और रिपीट होगा, यानी 5 6 ऐसे ऐसे जाएगा। तो क्या इसको हम बोल सकते हैं 32%, बिल्कुल बोल सकते हैं। हमारा क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 सही जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 नंबर। कह रहा है, यदि एक दुकानदार 250 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से काजू खरीदता है और 10 रुपये प्रति 50 ग्राम की दर से बेचता है, तो उसे उसे क्या हुआ, ठीक। तो उसे क्या हुआ, अब इधर देखिए, आप प्राइस लिखिए, आर्टिकल लिखिए, ठीक। सीपी किया गया किस रेट से, 250 रुपया प्रति किलोग्राम, यानी 250 रुपया खर्च किया गया तो उसे 1 किलोग्राम मिला। 1 किलोग्राम मतलब कि 1000 ग्राम हम बोल सकते हैं, 1000 ग्राम मिला, ठीक। अब फिर जब वो बेचा, बेचा तो किस रेट से बेचा, तो 10 रुपया खर्च किया और 50 ग्राम वस्तु मिली, ठीक, 50 ग्राम वस्तु। अब देखिए यहाँ पे आर्टिकल डिफरेंट है, ठीक, तो हमें क्या करना होगा, सेम बनाना होगा। तो सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, अगर हम 50 में 20 से गुणा करा दें तो ये भी हो जाएगा 1000, 5 दूनी 10 और 2 0 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हमें 20 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 200 हो जाएगा। अब आप ही बताइए, 250 रुपये का वस्तु अगर 200 रुपये में बेच दिया जा रहा है तो घाटा होगा कि फायदा होगा, घाटा होगा, लॉस होगा तो कितने रुपए का होगा, तो 50 रुपये का लॉस होगा। किस पे हुआ है, 250 रुपये पे हुआ है, ठीक, 250 रुपये पे लॉस हुआ। परसेंटेज निकालना है तो आप अच्छी तरीके से ही जानते हैं कि 100 से गुणा करके परसेंटेज लगा देंगे, ठीक। अब 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 1 बार में जाएगा 25, और ये 5 से 20 बार में जाएगा 20 25 100, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 20% का घाटा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर। कह रहा, एक विक्रेता 8 रुपये में 9 केले खरीदता है और 9 रुपये में 8 केले बेचता है, इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। आप सिंपल सा फंडा अपनाइए, प्राइस और आर्टिकल वाला, ठीक। प्राइस और आर्टिकल वाला जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सीपी जब किया गया तो कितने रुपये, 8 रुपये में 9 केला, 8 रुपये में 9 केला खरीदा गया और बेच दिया गया किस रेट से, बेच दिया गया 9 रुपये में 8 केला बेच दिया गया, ठीक। अब यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल अलग अलग है, तो आर्टिकल को आप क्या करिए, एक जैसे बनाइए। एक जैसे बनाने के लिए क्या करेंगे, पलट के उड़ा करा देंगे, इससे 8 से, इससे 9 से। अब 9 से यहाँ पे भी करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 8 से करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा और ये 9 9 81 हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप सीपी और एसपी देखेंगे, सीपी और एसपी, तो सीपी कितना है, 64 रुपया है, और एसपी कितना है, 81 रुपया है। 64 रुपये के सामान को 81 रुपये में बेच दिया गया तो फायदा हुआ कि घाटा, फायदा हुआ, कितने का फायदा हुआ, घटा लीजिए, 11 में से 4 जाएगा तो 7 बचेगा, और यहाँ पे 7 में से 6 जाएगा तो 1 बचेगा, 17 रुपये का प्रॉफिट हुआ। किस पे हुआ, तो ये 64 रुपये पे हुआ, ठीक। 64 रुपये परसेंटेज निकालना है, 100 से आप गुणा करा दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए। अब 16 चौका कितना होता है, 64 होता है, और 25 चौका कितना होता है, 100 होता है, ठीक। अब ये कितना देगा, उड़ा करा लीजिए, 17 5 85 के 5 हासिल आएगा, 8, 17 2 34 34 और 8 कितना होगा, 34 6 34 6 40 और 2 42,
425, यहाँ पे अच्छे से नहीं लिखा, इसको सही लिखो, 425 भागे क्या करना है, 16 करना है, भाग कर दीजिए कितना हो जाएगा, 16 16 दुना 32 होगा, 16 दुना क्या हो जाएगा, 32। अब जब ऑप्शन आप देखेंगे तो देखिए दो बार में जा रहा है, तो एक का होने कोई सवाल ही नहीं है, यहाँ पे भी होने कोई सवाल नहीं है। अब हमें क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है ना, तो प्रॉफिट यहाँ पे हान तो होगा ही नहीं, यहाँ पे इसको भी काट दीजिए, यानी कि ये ऑप्शन नंबर 3 हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 11 नंबर कह रहा है, एक व्यापारी 30 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से ज्वार खरीदता है, उस अनाज का 20% व्यर्थ हो जाता है, वह शेष अनाज को इस तरह से बेचने की योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके, उसे किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए। अब देखिए हम मान लेते हैं कि उसके पास कितना 100 रुपया था, ठीक, 100 किलोग्राम था, ठीक, क्या था, 100 किलोग्राम था, और वो क्या किया, उसे 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से उसने खरीदा, किस रेट से खरीदा, 30 रुपया, 30 रुपया प्रति किलोग्राम से, 30 रुपया यहाँ पे गलत लिख दिया, 30 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, ठीक, तो इसका जो टोटल सीपी हुआ कितना हुआ, तो इसका टोटल सीपी हो गया 13 3 1 3, यानी कितना हो गया, 3 1 3 00, और ये कितना हो गया, 3000 रुपया टोटल सीपी इसका लागत लग गया। अब कह रहा है 20% उसका अनाज व्यर्थ हो गया, यानी इस सौ का 20% अनाज क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, तो अब अनाज इसके पास कितना बचा है, 80 किलोग्राम ही तो बचा है, 80 kg बचा है, ठीक। अब क्या कह रहा है कि वो किस तरह से बेचने का योजना बनाता है ताकि वह 40% समग्र लाभ कमा सके, तो ये क्या कर योजना बनाया कि जो 3000 रुपये हमारा पूरा लागत लगा है, हम इस 80 किलोग्राम को ऐसे कीमत पर बेचें जिससे क्या हो, इस 3000 पर हमें 40% का लाभ हो जाए, तो 3000 पे आप 40% का लाभ निकाल लीजिए कितना हो जाएगा, 40% का लाभ लेना है, हर सब चीज़ वैल्यू किस पे 100 पर कैलकुलेट की जाती है, तो 40% का वैल्यू निकालना है तो 140 से गुणा करना पड़ेगा, 140 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक। अब 00 से तो 00 कैंसिल हो जाएगा, अब कितना हो जाएगा, 14 14 14 28 42 14 42 10 यानी कि 4200 रुपये में इससे बेचना होगा, 4200 रुपये में बेचना है। अब बेचने के लिए इसके पास मतलब माल कितना है, तो ये माल 80 किलोग्राम है, तो यहाँ पे 80 से आप डिवाइड कर दीजिए, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, 8 5 40 और 5 20 और क्या हो जाएगा, तो ये अच्छा यहाँ पे हो जाएगा 8 5 40 हो जाएगा, ठीक, 2 20 हो जाएगा यहाँ पे, और 8 2 16, अब 52 दशमलव करके कुछ आएगा, 52.25 यहाँ पे एक ही ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा, और बाकी ये सब क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर, अगर कोई विक्रेता 69 रुपये में एक तरबूज बेचता है तो उसे 8% नुकसान होता है, ठीक, यदि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है तो उसे तरबूज को किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए कोई विक्रेता है, वह एसपी करता है कितना, 69 रुपये में, ठीक, तो उसे 8% का नुकसान हो जाता है, यानी इस 100 का सामान कितने पे बेच दिया, 8 का नुकसान हुआ, यानी कि 92 पर ही बेच दिया, ठीक। अब कह रहा है कि वह 16% का मुनाफा कमाना चाहता है, तो इसे किस रेट पे बेचना चाहिए, 116 बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा, तो यहाँ से आप काट पीट मचा लीजिए, तो यहाँ पे जैसे आप काट पीट में मचाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये 100 से ये 100 कैंसिल हो जाएगा, अब इसको 2 से काट लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 2 8 और यहाँ पे हो जाएगा 6 2 12, ठीक, इसको भी 2 से काट लीजिए, 5 2 10 और 8 2 16, एक बार और 2 से काट लीजिए, 2 2 4 3 2 6, इसको भी काट लीजिए, 2 2 4 और 9 2 18, ठीक। अब 23 1 23, 23 3 कितना होता है, 23 3 होता है 69, तो 3 बार में जाएगा, तो इसका जो एसपी निकल के आएगा कितना, 3 × 29 करा लीजिए, 9 3 27 के साथ हासिल आएगा 2 3 2 6 6 2 8, यानी इसको किस रेट पे बेचना चाहिए, 87 रुपया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 13 नंबर,
करा, यदि राजन 20 रुपये में 21 कलम खरीदता है तथा सभी कलम को 21 रुपये में 20 अच्छा 21 रुपये में 20 कलम की दर से बेच देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? आप पहला वाला फंडा अपनाइए, प्राइस और क्या आर्टिकल वाला। ठीक, अब ये क्या किया, सीपी किया 20 रुपये में 21 कलम, 20 रुपये में 21 कलम खरीदा। ठीक, और यह 21 रुपये में बेच किस रेट से दिया, 21 रुपये में 20 कलम बेच दिया। ठीक, अब आर्टिकल डिफरेंट डिफरेंट है, आर्टिकल को क्या करना होगा, हमें सेम बनाना होगा एक जैसे। तो यहाँ क्या करेगी, करिए आप लट की गुणा करा दीजिए 20 से यहाँ पे, 21 से यहाँ पे, यहाँ पे भी हमें 21 से करना पड़ेगा और यहाँ पे भी 20 से करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ से सी पी और एस पी देखें तो देखिए 20-20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 420 × 20 = 400 हो जाएगा। ठीक, 21 × 21 कितना हो जाएगा, 441 हो जाएगा। अब आप बताइए 400 रुपये का वस्तु 441 रुपये में बेच दिया गया तो प्रॉफिट हुआ कि घाटा हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने का, 41 रुपये का। क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, किस पे हुआ, तो 400 पर हुआ। ठीक, परसेंटेज निकालना है, आप 100 से गुणा करा दीजिए, परसेंटेज का साइन लगा दीजिए, 00 से तो 00 ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 41 बटे क्या बचा, 4 बचा, तो आप 4 से काट लीजिए, 4 × 4 एक उतरेगा तो यहाँ पे 0 बढ़ाना पड़ेगा और ये 10 हो जाएगा, तो यहाँ पे आप 10 लगाइए कितना हो जाएगा, 4 × 2 = 8, 2 बचेगा 20 हो जाएगा, 4 × 5 = 20, यानी इसे जो प्रॉफिट हुआ वो 10.25 रुपये का हुआ। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा 3 सही होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर। कह रहा है यदि कुल वस्तुओं के 60% को 50% हानि पर बेच दिया गया तथा शेष वस्तुओं को 50% लाभ पर बेच दिया गया तो कुल हानि प्रतिशत क्या होगा? अब देखिए हम मान ले टोटल आर्टिकल कितना है, 100 है, टोटल आर्टिकल मान ले 100 है। ठीक, टोटल आर्टिकल कितना हो, 100 रुपया हो, और इसका जो अच्छा ठीक है, फिर उसके बाद में कह रहा है इसके 60% को, इसका 60% कितना होगा, 60% इसका 60 ही होगा, 60% को क्या किया गया, 50% के हानि पर बेच दिया गया, यानी 50 पर बेच दिया गया बटे 100 हो जाए। और कह रहा है कि शेष वस्तुओं को 50% के लाभ पर, मतलब कितना वस्तु अभी बचा है, 40 वस्तु बचा है, 40 वस्तुओं को कितने लाभ पर, 50% लाभ पर, तो इसको 150 पे बेच दिया गया। ठीक, 150 बटे क्या जाए, 100 हो जाए। अब देख लीजिए आप यहाँ से टोटल कितना बिका। ठीक, और देखिए 100 वस्तु का हम लागत मूल मान ले 100 रुपया हो, तो यहाँ पे आप देख लीजिए कितना हो जाए, तो ये 00 से 10 से 10 10 से 0 यहाँ से 0 से 10 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6×5 = 30 और प्लस में 15×4 = 60। ठीक, तो कितना हो जाएगा, 90 रुपये का क्या हुआ, बिक गया। और एस पी मतलब 100 वस्तु का लाभ, मतलब लागत मूल्य कितना था, हम सी पी कितना मानते हैं, 100। यहाँ पे आप देख सकते हैं सी पी और एस पी अगर हम यहाँ पे देखें तो 100 रुपये के सामान को हम बेच कितने के हैं, 90 रुपये का, तो यहाँ से हमें क्या हुआ, 10 रुपये का घाटा हो गया। ठीक, प्रतिशत में पूछा है तो किस पे घाटा हुआ है, 100 पे हुआ है, परसेंटेज निकालना है, 100 से आप गुणा करा दीजिए, 100 से 100 कैंसिल, यानी 10% का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा 4 से हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं।